अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और फाइनली जो है ना, आज मेरे खीर में हाथ डलने वाली रस्म हो रही है। सो जो है मतलब खीर पकाई की रस्म हो रही है। आप लोगों का आसान लफ्जों में बोलूँ तो खैर मैं उसके लिए रेडी हुई हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इतना ज़्यादा कोई तैयार होकर जो है ना मैं अभी खीर पकाई करने जा रही हूँ। तो खैर अभी जो है एनीवेज हम लोग चलते हैं, जल्दी से खीर को चढ़ाने के लिए चलते हैं, क्योंकि अभी जो है ना लाइट भी चली जाएगी तो फिर थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा आप लोग। खैर अभी तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैंने भगोना निकाल लिया है और मैं आज बना रही हूँ 4 से 5 किलो की खीर। और जो है देखो क्या होता है, मैं बड़ी जो है ना नर्वस हूँ इस चीज़ के लिए और एक्साइटेड भी हूँ। तो आज जो है दरअसल दावत भी है घर में और सब लोग आएंगे, तो समझ लो आज मेरा इम्तिहान है। मैं अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम जो है ना वो खीर बना रही हूँ। टाइम वैसे ही नहीं, यहाँ पर ना सबसे पहले मैं सर्व डालूंगी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करना है, मतलब वही होता ही हुआ है, हमारे सिलेंडर लगा हुआ है ना, तो सिलेंडर की वजह से ना भगोने काले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैं यहाँ पर देखचे के पीछे जहाँ से ये पकता है वहाँ पे सर्फ लगा दूंगी, ताकि मेरा भगोना गंदा और काला ना पड़े। वैसे वो काला होगा, देखने में काला होगा, लेकिन उसको मांजना नहीं पड़ेगा। बहुत घबराहट हो रही है, चेहरे से पता नहीं चल रही, वो बात अलग है। और अगर आप इस तरह से करें तो जरा ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा भी सर्फ का एक भी दाना भगोने के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना झाग वाली खीर बनेगी, झाग वाले खाने बनेंगे। चलो बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मंगवा लिया था डेरी का दूध मंगवा लिया था, क्योंकि हमारे ना अफराद ज्यादा है माशाल्लाह से दावत में, इसलिए जो है। और इसका जो दुपट्टा है ना वो टिश्यू का है, किचन में इस तरह से रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए फिलहाल हम सबसे पहले दूध उबालने के लिए रख देंगे। और दूध उबलता रहेगा जब तक हम लोग बाकी तमाम काम कर लेंगे। तो किस किस के यहाँ पर जो है ना ये वाली रस्म होती है खीर पकाई वाली, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। वैसे तो जो है ना मैं शादी के तकरीबन 1-2 दिन बाद ही मैंने अपने जो है घर के काम करना शुरू कर दिए थे, लाइक झाड़ू वाड़ू देनी है या घर की सफाई करनी हो तो काम शुरू कर दिए थे, लेकिन बस जस्ट ये एक रस्म है और एक ये था कि अब दावत हो ही रही तो चलो खीर भी बना लेते हैं, और जो है ना यहाँ पर खीर में हाथ भी डल जाएगा हाथों हाथ, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ। और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ना पैकेट्स लेकर आऊँगी और उसके बने बनाए जो होते हैं ना वो पैकेट्स डालो और फिर वो रेडीमेड होता है, बन जाता है, उसको थोड़ा सा पकाना होता है उसके बाद वो बन जाता है। लेकिन मेरी मतलब अम्मी ने कहा कि मतलब मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं जो है हम लोग घर की बनाएंगे खीर और मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। चार किलो का दूध है बहुत सारा, और जिस वही कि जब तक लाइट आ जाएगी उसके बाद हम लोग मिलते थोड़ी देर बाद जी। तो इसके ऊपर आ चुकी है मलाई और अम्मी ने मुझे कहा है अब इसके अंदर चीनी डालेगी। बिस्मिल्लाह। अम्मी कितने चम्मच? दो। सारी डाल दो। सारी डलेगी। 5। हाँ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं तो बदल गई कपड़े, मेरी हालत हो रही है, लाइट अलग और चले गई है, हम नहीं कर सकती, ये मेकअप भी ऑन ही जहर लग रहा है मुझे चूल्हे के सामने। फैन चलाओ तुम। अम्मी फिर आज इधर उधर भागेगी ना। अम्मी चीनी इतनी काफी थी? बहुत है बस। अच्छा हाँ, रबड़ी भी तो डाल सही, इसमें भी मिठास होती। चलाते जाओ फाइनली मेरा खीर में हाथ डल गया, नहीं अभी तो खैर दूध में हाथ डला मीठे दूध में हाथ डला।
तो मैंने वेयर किए हुए थे फैंसी कपड़े, तो जैसे ही जो है ना लाइट गई ना, तो मैंने वैसे ही फ़ैन ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि जो है ना चूल्हे की आज बहुत ज़्यादा भाग रही थी इधर उधर। तो उसके बाद जो है ना इतनी ज़्यादा कोई गर्मी लगने लगी और पसीने आने लगे, तो इसके बाद जो है ना फिर मैंने कपड़े चेंज किए और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने स्कार्फ और अपने कपड़े भी दूसरे पहनी हुई हूँ। तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे और मैं सोच रही थी अल्लाह मैंने मेकअप भी क्यों कर लिया। मैंने वैसे सोचा था कि ना खीर में आ डल रहा, चलो अच्छे से तैयार हो जाए बंदा, लेकिन ना भाई। अब हम डालने जा रहे हैं इलायची के बीज, है मैं सारे डाल दूँ। हाँ सारे। हाँ मिलो। जमीन चावल भी भुनेंगे इसमें चीनी की तरह। मीट चम्मच। इसमें डाल दी है 1 किलो चावल। हमें 1 किलो चावल, किलो आधा किलो, एक बड़ा कप बोल दो। हाँ एक बड़ा कप टूटे हुए चावल। तो दूध को पकाते पकाते जो है ना तकरीबन थोड़ी सी देर हो चुकी थी, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट को भिगो के रख दिया था काफ़ी देर तक। फिर इसको आसानी से काट लिया था ऐसे बारीक बारीक सा, और फिर जो है ना थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर मिला लिया था। फिर इसके बाद जो है ना मतलब मुझे कहा था कि इस खीर को चलाते रहना, इसमें जो है ना खीर लगनी चाहिए, खीर अगर लग जाती तो उसमें स्मेल आने लग जाती है जलने की, और बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए जो है ना फिर मुझे इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना था। तो बस जो वहाँ पर जो है ना खीर पक रही है, मैंने सोचा चलो इतनी देर में ना थोड़े से यहाँ पर बैठकर इनके साथ थोड़ी हेल्प करवाई जाए। और यहाँ पर हम दोनों बैठ चुके हैं, मतलब मेरी अम्मी जो है ना यहाँ पर पिस्ते काट रही हैं, मतलब इनको चॉप कर रही हैं, और मैं जो है ना वो कोकोनट को चॉप कर रही हूँ। जब खीर पक जाएगी अच्छे तरीके से तो उनको बाउल में सजाने के लिए ऊपर जो है टॉपिंग करते ना उसमें बड़ा काम आएंगी दोनों चीज़ें। तो इनको हम लोग करके रख रहे हैं ताकि जो है ना एंड टाइम पे हमें किसी भी तरीके की कोई मुश्किल ना हो, बस जो है ना इसको ऊपर से इसको डालना होगा। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा एसेंस भी डाला था अम्मी ने, और इसको ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी फिर खीर में। तो यहाँ पर हम दोनों बस बैठे बैठे बातें भी कर रहे थे, और काम बड़े अच्छे से और जल्दी हो जाता है जब हम लोग अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, कि अच्छा सा टाइम गुजर जाता है, साथ साथ में काम भी बहुत जो है ना मिल बांट के करो तो जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता। तो बस ये है। तो और यहाँ पर जो है ना मैं पिसावा खोपरा डाल रही हूँ अम्मी से पूछ पूछ कर कि कितना डलेगा और कैसे डलेगा, तो वो मुझे पीछे से गाइड कर रही हैं। अब हम डाल रहे हैं रबड़ी 1 कैनी, हमने डाल दी शक्कर ली। हमने एक बार मेरी भी नहीं छोड़ी थी, ये पता था मुझे। चटोरी एक मुझे भी दे दो। बस बस ये हो गई है झूठी, अब ये नहीं जाएगी इसमें। ये आप खा लो, ये नियत लग गई पब्लिक की, रबड़ी पे नियत लग गई, बस इतनी सही है। तो खीर की ना इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना खुशबू महक रही थी कि बस क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर जो है ना बिल्ली भी सूंघते सूंघते आ गई थी और वो म्याओं म्याओं कर रही थी। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो ये फ्री होकर ना फ्रिज के पीछे बैठ गई थी और ये जंप करने की कोशिश कर रही थी स्लैब के ऊपर। खैर इसको मैंने भगा दिया कि कहीं मुँह ना मार दे, खीर में सारी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद जो है ना खीर भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, सारे चावल वगैरह सब कुछ इसके अंदर से अच्छे से पीस दिए थे, और यहाँ पर खीर डन हो चुकी है। इसका मतलब फिर लेडीज को चाय पड़ेगी। मैंने बनाई है खीर, मेरा खीर में हाथ डल गया, अम्मी डाल देंगे ना। जो जुलूम नहीं कर रही हूँ मैं, सारे कहेंगे ये डालो अपने हाथ से। उंगली दबा
अरे बस, बस, बस। ये मेरा स्टाइल है ये ये पेड़ा है पेड़ा है छलनी बोरी भाभी बोरी बोरी बस का मतलब होता है बस चांदी के वर्क लगाते उसके बाद निकालते जाता है सही कहा तो मैंने जो दावत वाली वीडियो अपलोड करी थी और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से इन्जॉय भी किया था, उसमें जो खीर आप लोगों ने देखी थी वो मैंने बनाई थी और वो ऐसे ऐसे बनी थी जो आप लोगों में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग खीर को अच्छे से सजा रहे हैं क्योंकि जेंट्स में खाना लग चुका था, तो यहाँ पर मैं खीर देने के लिए जाऊँगी उनको। तो इसलिए भाभी ने मुझे कहा था कि अम्बर जल्दी जल्दी जो है ना मैं चाय जो है सर्व कर देती हूँ, तुम जो है ना ये जल्दी जल्दी काम कर लो क्योंकि जो है ना वहाँ पर खाना लगा हुआ है, वहाँ पर खीर जानी है अभी। तो जो है इस खीर को तुम सजाकर जल्दी से अच्छे से और फिर लेकर जाओ, बाकी फिर मैं देखती हूँ। तो ये इस तरीके से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं ना, तो काम बड़ा इजीली और अच्छे से हो जाता है। इसके बाद जो है ना, मतलब खीर का एक बाउल ही नहीं था, तकरीबन मैंने 5 बाउल उनको सजाना था। और यहाँ पर जो है ना मैं सब पर अच्छे से पिस्ते लगा रही हूँ, जो आप लोगों को दिखाया था कि मैंने उनको चॉप किया था और सारी चीज़ों को चॉप करके रख दिया था। फिर जो है ना चांदनी का वर्क लगाया साथ साथ में, और यहाँ पर जो है ना ये सारा काम डन हो चुका है। तो खैर ये खीर कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में जो है ना सब लोगों ने खाई थी तो बहुत ज़्यादा तारीफ करी। कितनी बनाई है बस? 4 किलो और 7 किलो 4 7 किलो तो आधी देर हो जाएगी। हमने कोई भैंस पाली हुई है बाड़े में रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ जेंट्स में, खाना लग चुका था तो वहाँ पर मैंने खीर देने गई इस तरीके से और सबको बताने गई कि खीर मैंने बनाई है। मैंने खीर बनाई है ये बिरयानी का देना, चेंज करवा के लाऊं। हाँ, ये मेरा मैंने बनाई है, इसको खाइए। फर्स्ट टाइम अंबर के आपके खीर का। हाँ लाए बोल 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 जाइए कटोरी ये लो कटोरी वो की खा लो। आपने बनाई है है? ये मेरे पास कर दो, ये खीर। बहुत मजे की बनाई है बराती आपने। थैंक यू। हाँ इतनी अच्छी बनी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। अल्फाज ही खत्म। और भाभी अच्छी बनी है, बराती अच्छी बनी इतने मजे की बनी, खा के खो गए। इतनी अच्छी खीर बनाई है, दूध की जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। अच्छी तो बड़ हो गई हमारी। पैसे तुम लोग बताओ कुछ। खीर इतनी अच्छी बनी, मैंने 2 बोल खा ली। अब सब और आप बताएं। अच्छा आप तो बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन हाँ वो अंकल ने भी तारीफ करी थी बहुत। आज ये खीर बहुत मजे की बनी है।
तो सब लोगों को मेरे हाथ की बनाई हुई खीर बहुत ज़्यादा पसंद आई, ख़ास तौर पे मेरे फादर इन लोगों को, मतलब पापा को जो है ना खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करी थी। है कुछ जो है ना मैंने क्लिप्स बना लिए थे कि ना जब मैं खीर वाली वीडियो डालूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो जो है ना सबके कॉमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, साथ साथ में जो है ना बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अंबर डांस ने वीडियो अपलोड कर दी है। साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, जब तक लिए दीजिए इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।